हेलो गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे सेवन सिस्टर्स के नए एपिसोड में। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले एक ऐसे स्टेट के बारे में जो जाना जाता है अपने क्लाइमेट, अपने हिली रीजन्स के लिए और इवन अपने फ्लोरा एंड फाउना के लिए। तो बने रहे इस वीडियो के अंत तक। तो चलिए आपका बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। मिजोराम, इसके नाम में इसका मीनिंग है। मिजो मींस वहां के लोग और राम मींस उनके लैंग्वेज में लैंड, यानी लैंड ऑफ मिजोस। इट इज द साउथ मोस्ट लैंडलॉक स्टेट एंड शेयरिंग बाउंड्रीज विद थ्री सिस्टर्स, त्रिपुरा, आसाम एंड मणिपुर। इसके साथ साथ ये स्टेट 722 किलोमीटर की इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है विद द कंट्रीज बांग्लादेश एंड म्यांमार। जैसे कि अगर आप मेरी सेवन सिस्टर की सीरीज फॉलो कर रहे हो तो आपको पता ही होगा कि नॉर्थ ईस्ट के लगभग सारे स्टेट्स आसाम के पार्ट थे बिफोर 1972। उसी तरह मिजोरम भी 1972 के पहले आसाम का पार्ट था एंड उसके बाद एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया। एंड इन 1986 53rd अमेंडमेंट वॉज डन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड मिजोरम को स्टेट का दर्जा मिला और मिजोरम 23rd स्टेट बना इंडिया का। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसेक्स, मिजोरम की पॉपुलेशन थी 10,91,104 की, जो पूरे देश में सेकेंड लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट था। मिजोरम इज वन ऑफ द थ्री इंडियन स्टेट्स जहाँ पर क्रिश्चियंस की मेजोरिटी रहती है, अराउंड 87%, एंड मोस्टली प्रेस्बिटेरियन इन द नॉर्थ एंड बैप्टिस्ट इन द साउथ। मिजोरम हैज द हाईएस्ट लिटरेट पीपल एंड इनकी इकोनॉमी इज एग्रो इकोनॉमी, विच मीन्स इट इज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। मिजोरम इज लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स, वैलीज, रिवर्स एंड लेक्स। यहाँ पर 21 मेजर हिल्स है जो पूरे स्टेट को कवर करते हैं और इन हिल्स की एवरेज हाइट है 1000 मीटर, विच इज 3300 फीट इन द वेस्ट। और जैसे हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते हैं तो ये हिल्स की हाइट हो जाती है अराउंड 1300 मीटर, विच इज 4300 फीट। Pawan Pui Tlang is known as Blue Mountain of Mizoram and it is also the highest peak of Mizoram with the height of 2210 meters, which is 7250 feet. Yahan ki 76% land is covered under forest, 8% is fallow land and 3% is considered to be uncultivated area. Aur bacha hua area yani 13% is used for farming. According to the forest report of 2017, Mizoram has the third highest area covered under forest. And it is also has the highest covered area as per the percentage of its geographical area of any Indian state, which is around 86.27% forest. यहाँ पर main lake है तालवांग, टूट, ट्विटवाल, जो North Territory से flow होता है और ब्राक नदी में जाकर मिल जाता है। पलक lake is the biggest lake which covers 30 acres of land. Main tourist attraction is Tamdil Lake because this lake was made by the nature. जब मिजोरम का इतना बड़ा एरिया फॉरेस्ट से कवर्ड है तो वहाँ पर बर्ड्स और एनिमल्स की काफ़ी सारे स्पीशीज मिलती है। यहाँ पर अराउंड 640 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स मिलते हैं, जिसमें से 27 आर इन द लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज एंड 8 आर इन द लिस्ट ऑफ क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज। यहाँ पर बहुत सारे अनोखे वाइल्ड लाइफ क्रिएचर्स देखने को मिलते हैं, स्लो लॉरिस, रेड सर्वोजो एंड हिमालयन गोरल। दिस स्टेट हैज 2 नेशनल पार्क्स एंड 6 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज भी 3-3 है, मिजो, हिंदी, इंग्लिश। ये सारी चीजें तो हो गई पास्ट की और यहाँ पर जो पहले से प्रेजेंट था उसकी। तो अब हम एज यूजुअल यहाँ के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करते हैं, जिससे मिजोरम की कनेक्टिविटी और बहुत सारी चीजें डेवलप हो जाएंगी। तो सबसे पहला प्रोजेक्ट है बिराबी सारंगी रेल लिंक। बिराबी में इन 2016 फर्स्ट टाइम रेल आई थी एंड अब इसी लाइन को सारंगी तक एक्सटेंड किया जा रहा है एंड बिराबी से सारंगी के बीच में 4 और स्टेशन को ऐड किया जाएगा। ये ट्रैक अराउंड 51 किलोमीटर तक होगा और इन 51 किलोमीटर में 130 अलग अलग छोटे और बड़े ब्रिजेस होंगे। इसकी कॉस्ट है अराउंड 5021 करोड़ और सबसे अच्छी बात ये 2021 के एंड तक कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है जोराम मेगा फूड पार्क। ये फूड पार्क 2020 में ही ओपन हो गया था और अभी फुल्ली ऑपरेशनल है। ये पार्क अराउंड 50 हेक्टर्स में फैला हुआ है और इस पार्क से वहाँ के 5000 लोगों को डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट मिली हुई है। इस पार्क को बनाने का कॉस्ट था 75 करोड़ और इस पार्क में बहुत सारे मॉडर्न टेक्निक्स है और बहुत सारे अलग अलग फैसिलिटीज है ताकि बाहर की कंपनी यहाँ पर आके इन्वेस्ट कर पाए। तो इन दोनों प्रोजेक्ट से पहले तो एक कनेक्टिविटी बढ़ेगी, सेकेंड यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट और इनकम इंक्रीज होगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया पता चला तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली के साथ। और अगर आप ऐसी वीडियो और भी देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय। हेलो गाइस, अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी वीडियो और भी बनाता रहूं और आपको भी मेरे चैनल से रिलेटेड सारे अपडेट्स मिले तो आप यहां पे सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो और उस बेल आइकन को जरूर दबाओ। और मेरी दूसरी नई वीडियो देखने के लिए आप मेरी वीडियोस पे क्लिक कर सकते हो।